व्हाट्स अप गाइस, आई एम हियर, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मेरा नाम है आयुष कुमार और मैं पढ़ता हूँ क्लास 8 में। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप वर्मी कंपोस्ट या फिर कोई भी फर्टिलाइजर अपने घर पे प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं किचन वेस्ट से। वर्मी कंपोस्ट आप एनर्जी दे सकते हैं, मिट्टी में मिला के आप अपने पौधों को डाल सकते हैं जिससे आपके पौधों को एनर्जी मिलेगी। और आप जो भी अपने घर में से कूड़ा कचरा वेजिटेबल्स के या फिर फ्रूट्स के जो भी कूड़े कचरे निकलते हैं उसे आप फेंकिएगा मत रोड पे, नहीं तो रोड भी गंदा होगा और कुछ उपयोग भी नहीं होगा उसका। और अगर आप पॉलीथीन में डाल के फेंकेंगे तो वो जो जानवर खा लेंगे उनको भी तकलीफ होगी, उन्हें भी कुछ बीमारी हो सकती है, इसलिए आप उसे घर पे ही रखें और उसका कुछ सदुपयोग करें। तो आपको करना ये है, जो आपको गड्ढा खून लेना है यानी आपको होल कर देना है मिट्टी में, आप ये जमीन में भी कर सकते हैं और या फिर गमले में भी कर सकते हैं। तो आपको अपना जो भी कूड़ा कचरा होता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कूड़ा कचरा, जैसे कि पेज यानी मटर की छिलकी, केला का, और यहाँ पे आप अंडे के छिलके और बहुत सारे चीज जिसमें प्रोटीन्स होते हैं, जैसे कि केले में प्रोटीन होता है, अंडे में प्रोटीन होता है, और आलू का उबालते जो है उसका पानी भी आप इसमें डाल सकते हैं जिससे उसे प्रोटीन मिलेगी आपके प्लांट को भी, और वर्मी कंपोस्ट जो भी बनेगा वो उसमें भी आपको एनर्जी मिलेगी। तो इसलिए जैसे कि आप देख सकते हैं ये केले के छिलके, अमरूद, पीस और कुछ सब्जियां हैं जिन्हें आप इसमें होल के अंदर डाल दीजिएगा। तो मैं आपको डाल के दिखाता हूँ। तो गाइस, इसमें अब मैं डाल रहा हूँ ये कुछ जो वेस्ट है किचन वेस्ट वो इसमें डाल दूंगा। तो ये बहुत ही अच्छा, जैसे कि इसमें आप रैपर आ गया तो इसे हम नहीं डालेंगे, नहीं तो ये आपके खाद को अच्छे नहीं बनने देंगे, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसे डिजोल्व नहीं कर पाएंगे। तो इसमें हमने अब सारा डाल दिया है। तो अब हम ये पहले मट्टी से हमें इसे झांप देना है, तो चलिए झांपते हैं। तो अब हम इसे झांप रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो मैं आपको झांप के आपसे मिलता हूँ। तो गाइस, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इसे मट्टी को झांप दिया, मट्टी से उस सारे किचन वेस्ट को। तो आपको भी ऐसे ही करना है, और इसके ऊपर से थोड़ा मैं पानी छिड़क देना है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसमें आए तो सारा डिजोल्व कर जाए और हमारा वर्मी कम्पोस्ट या फिर कोई भी कम्पोस्ट एकदम अच्छे से बन जाए। तो चलिए इसे हम पानी छिड़कते हैं। तो हमने पानी यहाँ पे ले लिया है, तो अब हम इस पर थोड़ा सा बस छिड़केंगे, ऐसे कुछ हम छिड़क दिए, आप इस पर स्प्रे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने इस पे छिड़क दिया अच्छे से। तो अब हमें इसे लगभग 15-30 डेज छोड़ देना है, तब इसमें कंपोस्ट बन जाएगा। तो आप भी ऐसा पालन करें अपने घर पे, किचन वेस्ट को उपयोग करें, सदुपयोग करें उसका, तो और रोड पे ना फेंके, नहीं तो रोड भी गंदा होगा और जो जानवर होंगे उनको भी खाने में अगर वो खाएंगे तो उन्हें भी तकलीफ होगी अगर पॉलीथीन में आप पैक करके फेंकते हैं, या फिर अगर आप कुछ पन्नीज हैं, रैपर्स हैं, तो वो आप नगर निगम जो आते हैं उनको आप दे सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।